धोनी और गांगुली में टक्कर, कौन ज्यादा महान बल्लेबाज, देखिए दोनों के वनडे करियर। नमस्कार। भारत को दो दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की गिनती वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से की जाती है। गांगुली और धोनी ने ही वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है। चलिए पता लगाते हैं। सौरव गांगुली का वनडे करियर। सौरव गांगुली ने अपने वनडे करियर में 311 मैच खेले थे, में उन्होंने 40.73 की औसत से 73.77 के स्ट्राइक रेट में 11,363 रन बनाए थे। वनडे में गांगुली के नाम 22 शतक और 72 अर्धशतक भी हैं, जिसमें उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है। महेंद्र सिंह धोनी का वनडे करियर। महेंद्र सिंह धोनी अब तक अपने वनडे करियर में 350 मैच खेल चुके हैं, जिसमे उन्होंने 50.58 के औसत और 87.56 के स्ट्राइक रेट से 10,773 रन बनाए हैं। धोनी के नाम वनडे में 10 शतक और अर्धशतक भी हैं। गांगुली की तरफ धोनी का भी सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन है। दोस्तों, आंकड़ों के हिसाब से दोनों के बीच तुलना कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि गांगुली ने रन तो ज्यादा बनाए हैं, लेकिन वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जबकि धोनी काफी नीचे बल्लेबाजी करते हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।